एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल लवली व्यूअर्स. दिस इज मारूफा नवाज अहमद एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर बीआईटी बिरला इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम. सो हियर वी आर. सो एज यू ऑल कुड सी, दिस इज द एंट्रेंस. दिस इज द टिकट काउंटर फ्रॉम वेयर यू कुड गेट टिकट्स. कॉस्ट ऑफ द टिकट इज ₹50 एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस. सो ये देखिए, इन लोग सैनिटाइज करवा के पूरा अंदर एंट्री देंगे. सो दे आर ऑल्सो गिविंग यू हैंड मास्क. तो ये देखिए, तो इसे पहन कर अंदर जाना है. तो ये देखिए, मैंने मास्क पहन लिया है और आते ही आप लोगों को नज़र आएगा ऐसा पूरा बर्ड्स का सेक्शन. और जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगी वैसे ही आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी. चलिए आइए. सो फ्रेंड्स, दिस बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम इज़ अ यूनिट अंडर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स एंड इट इज़ लोकेटेड नियर आइस स्केटिंग रिंक एंड द परफेक्ट एड्रेस ऑफ दिस म्यूजियम इज 19A गुरु सदे दत्ता रोड, बेग बगान, बालीगंज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 19 एंड इट इज़ वेरी नियरर टू माई हाउस. और हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और जाते ही देखिए, और यहाँ पे आपको एंट्रेंस से पहले साइन करना पड़ता है जस्ट फॉर सेफ्टी, वो रूल है वहाँ का. सो मास्क पहन कर अंदर जाना होगा क्योंकि विदाउट मास्क का अलाउ नहीं है. एज़ यू ऑल नो कि पैंडमिक से पूरा अपना वर्ल्ड गुजरा है. तो मैं मास्क पहन लेती हूँ और अंदर जा रही हूँ मैं. और जैसे ही अंदर जाती हूँ वैसे ही पूरा आप लोगों को एक्सप्लोर करके अच्छे से दिखाऊंगी. तो मेरे साथ बने रहिएगा. इवन देयर इज एन एलिवेटर. एलिवेटर भी था पहले लेकिन अभी बंद करके रखा गया है. ये देखिए, आने के लिए बच्चों के लिए है सारा इंतजाम यहाँ पे. बच्चे आकर खेल सकते हैं. ये देखिए, झूला वगैरह भी लगाया गया है. ये फिलहाल अभी एक ही बच्ची है क्योंकि बिरला म्यूजियम में अभी भीड़ नहीं है. लेकिन जो लोग अभी नहीं जानते हैं कि बिरला म्यूजियम ओपन हो चुका है, उन लोगों को मैं बता दूं कि जी हाँ, बिरला म्यूजियम ओपन हो चुका है. और आप लोग अपने बच्चों को लेकर संडे, अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा दूर घर का जाने का दिल नहीं है, जो लोग बालीगंज में रहते हैं वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं. और ये देखिए, एक बड़ा बच्चा जो जानबूझकर बच्चा बना हुआ है. मैं सोच रही हूँ कि मैं भी बच्ची ही लगती हूँ तो मैं भी जाकर बैठ जाऊँ. तो यस, मुझे भी बैठना चाहिए. निकलिए.
और इट इज क्लियरली रिटन देयर कि चिल्ड्रन बिलो 7 इयर्स ओनली अलाउड एंड यू हैव टू पुट ऑफ योर शूज. ये देखिए अंदर जाने के लिए, और बच्चे यहाँ से अंदर जाएंगे और वहां से बाहर निकलेंगे. ए आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि हम लोगों ने टॉय ट्रेन का मजा लिया, और अब देखिए हम लोग भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं. चलो रेलगाड़ी छुक छुक का मजा हो गया. अब ये देखिए ये देखिए बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अम्यूजमेंट है यहाँ पे. बच्चे आकर यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं अपना, बड़े भी आते हैं अपने बच्चों को लेकर. ये देखिए यहाँ पे कोल माइन का भी शो होता था, लेकिन अभी वो ऑफ है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस के वजह से बहुत कुछ ऑफ रखा गया है. तो अभी सिर्फ 3D शो ऑन है जो 4 बजे का है, और उसका टिकट शायद 30 रुपीज़ है, शायद नहीं पक्का 30 रुपीज़ ही है. मैं वो शो देखती लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है दोस्तों कि मैं यहाँ पे 4 बजे तक. यहाँ पे ये खेलने का भी है, कैन यू डू इट, मूव द रिंग टू द अनदर एंड विदाउट टचिंग द वेवी वायर. रैबिट में बैठी हुई है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा. ये देखिए बच्चे उसमें जाकर अपना यू नो फेस को पूरा अंदर डालकर अच्छे से फोटो क्लिक करवा सकते हैं. एंड देखिए कॉक सवारी, कभी आप लोगों ने देखा है कॉक सवारी? ये देखिए अल्फाबेट रोबोटिक्स, यहाँ भी जाना है. तो ये जो म्यूज़ियम है, ये पहले बिरला का घर था. बिरला हैज़ डोनेटेड हिज रेजिडेंशियल हाउस टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी को, उन्होंने दे दिया था. दिस 3-storied विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग अलॉन्ग विथ 5 बीघर्स लैंड ऑफ बिरला पार्क वेयर दे हैव लिव फॉर 35 ईयर्स. यस 35 साल वो लोग रहे थे यहाँ पे, उसके बाद में उन्होंने ये डोनेट कर दिया था. और आगे बढ़ते हैं तो और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो ज़रूर दूंगी. Don't step into the floor. कोई नहीं था, खाली खाली सा था, सन्नाटा सा था. लेकिन बहुत सारे लोगों को पता जो नहीं था ना कि बिरला म्यूज़ियम खुला, अभी 20 दिन पहले ही ये खुला है. एंड लुक एट दिस, दिस इज रोबोट एज यू ऑल नो, एंड दिस इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम. पहले तो ये वर्क करता था लेकिन अब नहीं कर रहा, मुझे तो उतना याद भी नहीं है, मैं इतने दिन के बाद यहाँ आ रही हूँ. मैं माइक लगा कर हूँ तो मुझे यू नो बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैंने मास्क खोला है. अदरवाइज़ बिना मास्क का यहाँ पे अलाउ नहीं है. अगर आप मास्क नहीं लाएंगे तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा. तो कि जी हाँ, बिरला म्यूज़ियम इज़ ऑन, खुल चुका है. अगर आप लोग यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ सकते हैं. और ये देखिए, एंड अगर मैं इसका टाइमिंग का बात करूँ
तो इसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये वीक डेज़ में खुला रहता है और 10:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये सैटरडे एंड संडे को ओपन रहता है, लेकिन ये होली एंड दिवाली के दिन स्पेशली बंद रहता है। और ये देखिए इस कार में मैंने फ़ोटो भी क्लिक करवाया है, मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी में अपलोड कर दिया है वो पिक्चर। और इट वाज नॉट वर्किंग, तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी बटन वगैरह देखकर। लुक, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, छोटा छोटा घर, पूरा अच्छा सा सीन्स नज़र आ रहा था मुझे। आई वॉज कैप्चरिंग दीज सीन्स ओनली फॉर यू ऑल। ये देखिए, ऐसा लग रहा था ना फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग ट्रेन में जर्नी करते वक्त जाते हैं तो नज़र आता है अलग अलग सीन सिनेरियो, वही पूरा मुझे लग रहा था। एंड कम हियर, इट इज जस्ट अ जोक। ऐसे ही छोटे छोटे मॉडल पूरा बन के रखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देखिए ये बटन दबाने से यहाँ से अंदर की तरफ पानी पूरा फाउंटेन की तरह हो रहा था। एंड सी, दिस इज द एटलस एंड दिस इज अवर इंडिया एज यू ऑल कुड सी। काम ही नहीं कर रहा है। एंड ये मेरी तप्पी बैठी हुई है और मैं कार के अंदर जा रही हूँ, बूमरैंग बनाएगी मेरी बहन और पिक्चर भी क्लिक करेगी। और ये देखिए, ये उन्हीं का फोटो है जिनका ये घर था, बहुत ही बड़ा। ये पूरा मैथमेटिक्स का सेक्शन, इसके अंदर मैं जा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खाली खाली सन्नाटा सा। ये देखिए मैं अंदर जा रही हूँ कैमरा लेकर, जो जो मुझे नज़र आएगा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग तो मैं वो भी अच्छे से कैप्चर करके पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी, अपने इस ब्लॉग में डालूंगी। ऐसे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रहा है। ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल जगह है, या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। मैथमेटिक्स का पूरा जगह है और उसके बाद में इसी के सामने मेटल का सेक्शन है, फिर टेलीविजन सेक्शन अलग है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन अलग है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट थिंग्स। और ये देखिए बहुत ही एंटिक, और मैं कैमरा लेकर जा रही हूँ सामने आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग। I just love to see these kinds of models. See, इसको देखकर आप लोग पूरे पुराने जमाने में अंदर चले जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स का सेक्शन से निकल चुके हैं और ये देखिए इसके जस्ट ऑपोजिट में मेटल्स सेक्शन है, और यहाँ पे पूरे मेटल्स के बारे में दिया गया है कि कौन सा मशीन है, क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है, वो पूरा मैप में बता दिया है। मेटल के लिए मेटल का डेमो भी बना के रखा है सामने, स्टैचू पूरा एज अ डेमो। और ये देखिए छोटे छोटे जो आप लोग देख रहे हैं ये सब मेटालिक सामान है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज रिटन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी 440 वोल्ट। यहाँ मुझे कुछ उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद आई थी तो मुझे कुछ याद तो था नहीं यहाँ के बारे में, इसलिए मैं अंदर जाके पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी और कैमरा भी ले रही थी। और ये देखिए ऊपर से पूरा नज़ारा, ये हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज का जस्ट मॉडल था, पिक्चर था। और ये देखिए जो कैलकटा वेस्ट बंगाल में, जो कैलकटा स्पेशली सिटी में जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, उन सब का छोटा छोटा डेमो मॉडल बना कर रखा था उन लोगों ने। ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल, हाई कोर्ट, इडन गार्डन,
हावड़ा ब्रिज, हावड़ा स्टेशन, और ये देखिए आई वॉज टेलिंग देम कि अच्छे से काम करो जस्ट फॉर फन। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से हम लोग निकल चुके हैं पूरा सेक्शन से, एंड लुक एट दिस, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो छोटा सा बल्ब लगा के रखा है, ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये तो बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस था, और ऐसा लग रहा था कि पूरा यू नो पूरे बिरला म्यूजियम में हम ही लोग थे शायद। और ये मैं अंधेरे रूम में जा रही हूँ, बॉडी टेम्परेचर से सेंसर से खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, जो कि कोई आए तो नहीं थे, हम लोग पहले विजिटर थे। और देखिए मैं डर गई मैं डर गई क्योंकि बहुत ही सन्नाटा सा, अकेला अकेला सा था, और ऐसे में अगर यू नो के थोड़ा डर तो हो ही जाता है। फिर मैं डर गई क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ सेंसर था, और खुद ब खुद लाइटनिंग ऑन हो जा रहा था, सारा लाइट्स वगैरह ऑन हो जा रहा था, और मैं डर जा रही थी। और ये देखिए पुराना ज़माना का मोटर कार, आई थॉट कि ये बिरला जी का है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि ये उनका है कि क्या है, उसमें वैसा कुछ डिटेल्स नहीं था। ये देखिए सब छोटे छोटे शिप्स का मॉडल था, प्लेन का मॉडल था। अभी मैं कैमरा घुमाकर आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए रॉकेट का, प्लेन का, अलग अलग सब चीज का मॉडल था यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे ट्रेन, इंजन, बोगी, सब चीज का मॉडल है, और वो तो बड़ा इंजन पूरा एज अ मॉडल पूरा रखा हुआ है। ये देखिए जिनको ये सब के बारे में स्पेशल नॉलेज होता है वो लोग आकर एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये जगह काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखिए, और ये बटन दबाने से अपने आप मेट्रो ट्रेन का गेट खुल रहा था और बंद हो रहा था, जैसे कि रियल में होता है। और ये गार्डन एरिया है बिरला म्यूजियम का। वी वेयर टायर्ड, तो हम लोग बाहर निकल गए, और यू नो ज़रा मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए पूरा ऐसा लुक्स आता है पूरा। हम लोगों का निकलने का वक्त हो रहा था, काफ़ी वक्त हम लोग यहाँ गुजार चुके थे, तो अब हम लोग निकल रहे थे। तो चलिए आप लोगों को एक्वेरियम सेक्शन में लेकर चलती हूँ। ये देखिए एक्वेरियम ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ दो ही एक्वेरियम था, और एक्वेरियम में कोई ख़ास मुझे फ़िश उतना नज़र नहीं आया। ये सारे तो वही फ़िश है जो मोस्ट ऑफ द घरों में रहते हैं। बिरला म्यूजियम है तो एंटिक फिश रखना चाहिए। लेकिन तो माय लवली व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग बिरला म्यूजियम का अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरा अपकमिंग नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। के थोड़ा यू नो भूख लग गया है, तो इसलिए भूख का हम लोग जुगाड़ करने निकला है। अभी हम लोग जाएंगे हल्दीराम और अभी थोड़ा सा फुचका खा लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए सब फुचका खाते हुए, पानी पूरी, गोलगप्पा, जो कहने का मन करे आप लोग कहिए। और ये हम लोग पहुँच गए हल्दीराम, क्योंकि हम लोगों को भूख लगा हुआ था तो हम लोग अपना पेट पूजा करने के लिए वहीं पहुँच गए, क्योंकि एकदम बिरला म्यूजियम के सामने में अगर आपको कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसा मिलेगा खाने का जगह तो ये वही है, ये हल्दीराम है। और आगे में वाव मोमो भी है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हल्दीराम चलते हैं, वहाँ चल कर खा लेते हैं कुछ। और ये मैंने छोला भटूरा ले लिया है, और मैंने पापड़ी चाट भी लिया था और राज कचौड़ी भी लिया था, तो मैं राज कचौड़ी खा रही हूँ। और हम लोग सवेरे पहुँचे थे तो हल्दीराम भी ज़रा खाली खाली सा था, हालांकि संडे का दिन था, तो ये तो हल्दीराम में आजकल वो सिस्टम हो गया है ना, लड़का लड़की देखने वाला सिस्टम, तो वही लोग सारे आए हुए थे। ये देखिए पीछे मेरे ग्रूम एंड ब्राइड्स को मिलाने के लिए पूरा फैमिली आता है।
और मेरा खाना हो गया है, तो अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही थी। घर जाके मुझे वीडियो भी एडिट करना है आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप कुछ काम नहीं करती हो, बस आप घूमती हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं व्लॉग्स बनाना मेरा काम है, और ये मैं काम की ही वजह से निकलती हूँ। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, व्लॉग्स बनाना ये मेरी हॉबी है और मेरा पैशन भी यही है। ये देखिए, ये हल्दीराम का पूरा ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन है। ये देखिए, अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स, हर फ्लेवर का, ये चनाचूर का पैकेट, चिप्स वगैरह, खट्टा मीठा चनाचूर एंड व्हाट्स एवर, अलग अलग मिठाई की वैरायटीज, कुछ किलोग्राम्स से मिलेंगे, कुछ अलग अलग प्राइस है सबका। आप पीस के हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपको केजी में लेना है तो वो भी मिल जाएगा आपको। और ये देखिए, सोन पापड़ी वगैरह का पैकेट। और मैं इस तरफ जहाँ जा रही हूँ, ये पूरा चॉकलेट का सेक्शन था। ये देखिए, छोटे छोटे चॉकलेट्स का पूरा सेक्शन, छोटे छोटे चॉकलेट्स को पैक करके रखा है ताकि आप लोग उठाएं और जाकर पेमेंट करें और अपने चाहने वालों को गिफ्ट कर दें। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।